सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, इस घंटे को दबाएं मेरे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। MX प्लेयर का ये चौंकाने वाला 5 सेटिंग हर कोई यूज नहीं करता, क्योंकि वे सिर्फ वीडियो देखने से मतलब रखते हैं। लेकिन अगर कोई और उसके MX प्लेयर के साथ कर देता है छेड़छाड़, तो फिर MX प्लेयर को अनइंस्टॉल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं माई हेल्प केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप MX प्लेयर यूज़ करते हैं तो आपको ये 5 सेटिंग हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो सेटिंग है जो MX प्लेयर को अन्य प्लेयर से बेहतर बनाता है। और अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो वाकई में MX प्लेयर चलाने का आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इन 5 महत्वपूर्ण सेटिंग्स के बारे में। तो MX प्लेयर का जो पहला सेटिंग है वो ये है दोस्तों, कि कभी कभी आपके फाइल को कोई डिलीट कर देता है या फिर उसे वो रीनेम कर देता है, उसका नाम ही बदल देता है। तो आप इससे बचने के लिए एक सेटिंग को कर दीजिए अपने MX प्लेयर में, तो ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लास्ट में यहाँ पे ऊपर में जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ से चला जाना है जनरल में। जनरल में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, अलाउ एडिटिंग, इस पर ये टिक है। टिक किया हुआ डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आपको इसे अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बाहर निकल जाना है। ऐसा कर दीजिएगा तो उसके बाद आपके फाइल को कोई भी डिलीट नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, देखिए इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई देगा। कहीं भी आप चले जाइए उसे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, तो फिर कोई भी आपका फाइल को डिलीट नहीं कर पाएगा और ना ही उसे रीनेम कर पाएगा। तो ये था पहला सेटिंग दोस्तों। अब चलिए दूसरा सेटिंग का बात करते हैं। दूसरा सेटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डबल टैप की मदद से अपने MX प्लेयर के चल रहे वीडियो को पॉज और प्ले कर सकते हैं। तो डबल टैप का सेटिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाए, इसके लिए दोस्तों आपको फिर से जाना है 3 डॉट पे। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्लेयर पे टिक करना है। जैसे ही प्लेयर पे टिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, डबल टैप प्ले एंड पॉज, इस पर आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है ओके। जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपका जो ये सेटिंग है हो जाएगा एक्टिवेट। इसके बाद मैं चलिए आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो को यहाँ से प्ले करता हूँ, कोई भी वीडियो यहाँ से मैं प्ले कर लेता हूँ। एक वीडियो पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये वीडियो प्ले हो गया। इसे पॉज करना है तो डबल टैप मैं कर दूंगा तो मेरा ये वीडियो पॉज हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये नीचे में हमेशा प्ले और पॉज का जो यहाँ पे आइकन है उस पर ही क्लिक करें, जरूरी नहीं है। आप कहीं पे भी डबल क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो प्ले हो जाएगा, और डबल टैप कीजिएगा तो आपका वीडियो पॉज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों दूसरा नंबर का सेटिंग। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का सेटिंग के बारे में। इस तीसरे नंबर सेटिंग का यूज़ करके आप किसी भी चलते हुए वीडियो को लॉक कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, इसके लिए मैं पहले आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं एक वीडियो यहाँ से प्ले करता हूँ। जैसे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद यहाँ पे देखिए वीडियो प्ले हो चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा नीचे में एक लॉक का, हर किसी में दिखाई देता होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं कुछ और ही बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये लॉक हो जाता है वीडियो। उसके बाद कहीं पे और क्लिक कीजिए, कोई भी बटन क्लिक नहीं होता, काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे लॉक का ऑप्शन दिखाई दे देता है। तो कोई भी इस पर क्लिक करके आसानी से इसे फिर अनलॉक कर देगा। लेकिन इससे बचने के लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा सेटिंग के बारे में, ताकि आपका कोई भी लॉक किया हुआ प्लेइंग वीडियो को अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो मैं इसे यहाँ से पॉज करता हूँ। पॉज करने के बाद बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद एक बार और बैक होकर मेन पेज पे चलाता हूँ। इसके बाद इस सेटिंग को यूज़ करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही सेटिंग में जाइएगा तो आपको प्लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको फिर से प्लेयर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फिर से कंट्रोल में चला जाना है। कंट्रोल में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लॉक मोड, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको किड्स लॉक पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है। अगर ओके नहीं कीजिएगा तो ये सेटिंग एक्टिवेट नहीं होगा, तो यहाँ से आपको कर देना है ओके। जैसे ही ओके कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेटिंग एक्टिवेट हो चुका है। अब कैसे ये वर्क करेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब एक वीडियो को मैं यहाँ से करता हूँ प्ले। यहाँ से मैं एक वीडियो को कर देता हूँ प्ले। प्ले करने के बाद देखिए वीडियो यहाँ से प्ले हो चुका है। प्ले होने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉक का, तो हर हमेशा की तरह कोई भी यहाँ पे लॉक तो कर देगा, लेकिन लॉक करने के बाद अगर वो चाहेगा कि वो इसे अनलॉक कर ले, तो
तो अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी वो क्लिक करेगा तो अनलॉक का ऑप्शन उसे दिखाई नहीं देगा, और जितनी बार वो क्लिक करेगा उतनी बार तरह तरह के छोटे छोटे इमेज उसको दिखाई देंगे। जितने बार क्लिक करेंगे 10 बार 20 बार 50 बार तो नए तरह तरह के इमेज दिखाई देंगे। तो अब इसे कैसे फिर से लाया जाए, देखिए यहाँ पर एक ऐसा सेटिंग यूज हो गया है कि आप बैक भी जाना चाहेंगे तो आपका जो ये वीडियो है बैक नहीं होगा, एकदम लाइव चलता रहेगा, लगेगा कि अब आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, ये बैक ही नहीं होगा। तो फिर से देखिए, इसको लाने के लिए सिंपली आपको क्लॉकवाइज टूल का यूज़ करना होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शायद आप जानते होंगे, इसका मतलब ये होता है, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में, जिधर घड़ी चलता है उसी दिशा में आपको अपने मोबाइल फ़ोन के चारों कॉर्नर पे क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चार इमेज आपको दिखाई देंगे, मैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए चार बार मैंने क्लिक किया तो देखिए पूरा सेटिंग अपने आप हट गया है और फिर से मेरा जैसा वीडियो प्लेयर था यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो ये था तीसरा नंबर का सेटिंग दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं चौथा नंबर का सेटिंग के बारे में। चौथा नंबर के सेटिंग के द्वारा आप अपने MX प्लेयर को रीसेट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली 3 डॉट में फिर से जाना है और उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जैसे ही जाएंगे उसके बाद आपको जनरल में जाना है और जनरल में जाने के बाद सबसे नीचे की तरफ आपको रीसेट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे देगा। इसका यूज तब किया जाता है दोस्तों जब आपके MX प्लेयर में बहुत ज़्यादा सेटिंग हो चुका है और तरह तरह के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो कि आपको चलाने में MX प्लेयर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रीसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप इसे ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद फिर से आप ओके कीजिएगा तो आपका MX प्लेयर बंद होके फिर से अपने आप ऑन हो जाएगा और पहले की तरह आपका MX प्लेयर हो जाएगा और सारा सेटिंग डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने MX प्लेयर को रीसेट कर सकते हैं। अब पाँचवा नंबर का जो सेटिंग है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन रह ही जाएगा। इसमें जनरली लोग क्या करते हैं कि किसी भी फाइल को यहाँ से हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक फोल्डर है जैसे भोजपुरी HD जो लिखा हुआ है, इस पर वो क्लिक करके रखते हैं। रखने के बाद सिंपली यहाँ पे जाते हैं राइट साइड में 3 डॉट पे और क्लिक करने के बाद यहाँ से उसे कर देते हैं हाइड। हाइड करने के बाद यहाँ से ओके का ऑप्शन दे रहा तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए भोजपुरी HD करके जो फोल्डर था यहाँ से गायब हो गया। गायब होने के बाद वो इसे लाना चाहते हैं कि फिर से वो फाइल यहाँ पे आ जाए। लाने के लिए वो रिफ्रेश करते हैं या फिर कहीं अंदर में जाके भी कुछ करते हैं लेकिन वो आ नहीं पाता है। सिंपली देखिए लोग क्या करते हैं कि ये फाइल वापस नहीं आता, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जाते हैं 3 डॉट में, उसके बाद सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद लिस्ट में जाते हैं और लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, मतलब आपने जिसे छिपा दिया है उसे शो कीजिए। शो करने के लिए वो यहाँ पे टिक कर देते हैं और टिक करने के बाद बैक निकलते हैं। बैक निकलने के बाद वो फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए देखिए ऊपर में रिफ्रेश का साइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद भी देखिए भोजपुरी HD करके जो फोल्डर है वो नहीं आया, मतलब मैंने हाइड किया है अभी तक वो अनहाइड नहीं हुआ है। तो इसे आपको फिर से लाने के लिए कुछ लोगों से नहीं आता है तो दोबारा क्या करते हैं अपने MX प्लेयर को कर देते हैं अनइंस्टॉल और फिर से करते हैं इंस्टॉल, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली आपको रीसेट कर देना है और कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है जनरल में, मैं पहले बता चुका हूँ, और यहाँ पे जनरल में जाने के बाद आपको कर देना है रीसेट सेटिंग पे क्लिक और उसके बाद कर देना है ओके। ओके करने के बाद फिर से कर देना है ओके, उसके बाद सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा और आपका जितना भी फाइल अनहाइड था वो फिर से अनहाइड हो जाएगा। देखिए दोस्तों भोजपुरी HD करके जो फाइल जो फोल्डर को मैंने गायब किया था वो फिर से आ चुका है। तो यही थे दोस्तों MX प्लेयर के वो 5 सेटिंग। अब आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।